अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार. मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं. तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आजकल लॉकडाउन की स्थिति में क्या कर रहे हैं, इनके बारे में ये सूचना अमर उजाला के रिपोर्ट के मुताबिक देने जा रहा हूँ. जहाँ देश के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, जिस जगह पर कुलपति को एक हिंदुस्तान के अग्रिम विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते उन्हें विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, जो कुछ चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, तो वो भी घर बैठे हुए हैं. BHU छोड़कर घर में बैठे कुलपति, मांगी गई सफाई. लॉकडाउन में दिल्ली में होने पर HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय ने मांगा स्पष्टीकरण. सभी कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी थे नदारद, मतलब HRD मिनिस्ट्री या HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी ने जब सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, तो उसमें भी BHU के वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश भटनागर जी नहीं थे. और उन्होंने सफाई में ये कहा है कि बैठक में आया था, लॉकडाउन के चलते दिल्ली में फंस गया. उनका कहना है कि मैं 2-4 बैठकों में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आया था, इसी बीच बुखार और जुखाम हो गया. कोरोना के डर से मैं दिल्ली में ही रुक गया, तभी लॉकडाउन हो गया. मैं बस PM मोदी के निर्देशों का पालन कर रहा था. विश्वविद्यालय के कामकाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं घर बैठे सब काम कर रहा हूँ. प्रोफेसर राकेश भटनागर, कुलपति BHU के, ये शब्द हैं. आगे रिपोर्ट पूरी पढ़ करके सुनाता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान कैंपस और हॉस्टल संभालने के बजाय बिना बताए दिल्ली स्थित घर में बैठे हुए कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने वाइस चांसलर से 14 मार्च से घर पर बैठने के लेकर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शनिवार को जब देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे थे, तो कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर नदारद थे, यानी कि वो उपस्थित नहीं थे. HRD मंत्री ने कुलपति से पूछा कि आप कैंपस में क्यों नहीं हैं, तो पता चला कि वे 14 मार्च से दिल्ली में घर पर हैं, यानी कि पिछले 19 दिन हो गए उनके घर रहते हुए. इस पर निशंक ने कुलपति राकेश भटनागर से पूछा कि लॉकडाउन तो 22 मार्च से हुआ है, तो उससे पहले ही दिल्ली में हैं आप, जब विश्वविद्यालय के अलावा उन पर BHU अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर से लेकर कोरोना के मरीजों को तैयार करके आइसोलेशन वार्ड को भी जिम्मेवारी दी गई थी. केंद्रीय मंत्री निशंक ने कुलपति से इस पर पूरे मामले में लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. केंद्रीय मंत्री लॉकडाउन के बीच विश्वविद्यालय और कॉलेजों में वार्षिक परीक्षा और उसके आयोजन, ऑनलाइन पढ़ाई आदि पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें ये नदारद थे. तो ऐसे एक बड़े विश्वविद्यालय, इट इज़ सेट टू बी द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया, और BHU जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते उनका ये कभी दायित्व नहीं बनता कि वो घर पर रहे. अभी इस समय में, इस मुश्किल घड़ी में उन्हें विश्वविद्यालय के परिसर में होना चाहिए था. अब चलिए, जो भी बातें आगे होती हैं देखते हैं क्या होते हैं, बट अभी फ़िलहाल अमर उजाला के रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है. कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस.